हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लेके आया हूँ मारुति विटारा का बेस मॉडल, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये गैस इसका बेस मॉडल होने वाला है, तो इसका प्राइस भी गैस काफ़ी ज़्यादा कमाल का होने वाला है, जो कि मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो आप प्लीज़ वीडियो में पूरा बने रहें। तो बात करें गैस इस विटारा की, तो काफ़ी ज़्यादा फेमस ये कार हो चुकी है, क्योंकि गैस इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे फीचर देखने को मिलते हैं, जो इस सेगमेंट में अभी तक आपको किसी भी कार में देखने को नहीं मिलते इस प्राइस रेंज पर। जैसे कि ऑल ग्रिप, 27 की माइलेज इस कार में आपको देखने को मिलती है। तो बात करते हैं इसके बेस मॉडल की। इसमें गैस आपको काफ़ी अच्छी लुक्स देखने को मिलती है, लगता नहीं है कहीं से कि ये इसका बेस मॉडल है। सबसे पहले बात करें फ्रंट से, तो फ्रंट में आपको मैट फिनिश में इसकी ग्रिल देखने को मिल जाती है। जो इसका टॉप मॉडल है उसमें आपको ग्लोसी ब्लैक फिनिश में दी गई है। नीचे आप इसकी स्कीड प्लेट देख सकते हैं, और जो इंडिकेटर की प्लेसिंग है आपको DRL के साथ में ऊपर देखने को मिलती है। और फ्रंट में आपको प्रोजेक्टेड बाय हेलोजन लैंप मिल जाते हैं। इसके किसी भी मॉडल में आपको फोग लैंप्स ऑफर नहीं किए गए, यही आपके गैस इसमें प्रोजेक्टेड हेड लैंप दिए गए हैं सारे वेरियंट्स में। तो अब बात करते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की। तो इसमें आपको दो इंजन ऑफर किए गए हैं, फर्स्ट है स्मार्ट हाइब्रिड और सेकंड है इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड, जिसमें आपको 27 की माइलेज देखने को मिलती है। इसका जो बेस मॉडल है उसमें आपको स्मार्ट हाइब्रिड वाला इंजन मिलता है, जो प्रोड्यूस करता है 75.8 PS की पावर 136.8 की टॉर्क पर। 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन आपको इस कार में ऑफर किया गया है। ये बेस मॉडल इसका टू व्हील ड्राइव होने वाला है, और जो इसका टॉप वेरियंट है वो ऑल ग्रिप के साथ आता है। तो बात करते हैं इसके साइड लुक्स की। तो साइड लुक्स इसकी गाइस आपको ऐसी देखने को मिलेंगी, काफ़ी अच्छा इसकी लुक्स आपको देखने को मिलती है। 17 इंच के आपको इसमें व्हील साइज विद कैप दिए गए हैं, और ORVM पे आपको इंडिकेटर की प्लेसिंग की गई है। लगता ही नहीं है गाइस ये इसका बेस मॉडल है। यहाँ पर आपको 45 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी का इसका फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा। बात करूँ इसके माइलेज की, तो इस वाले मॉडल की जो माइलेज है वो मिलती है 21.11, और जो ऑटोमेटिक है उसकी 20 तक मिलेगी। बात करें इसकी रियर लुक्स की, तो रियर लुक्स आप देख सकते हैं, रियर लुक्स में ज़्यादा कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। बस इसमें आपको डीफोगर और रियर का वाइपर वो मिसिंग है, लेकिन आपको रियर में शार्प फिन एंटीना देखने को मिल जाता है। बाकी बात करें बूट स्पेस की, तो बूट स्पेस देख सकते हैं काफ़ी बड़ी बूट स्पेस इस कार में दी गई है। लेकिन गाइस जो इसका इलेक्ट्रिक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला वेरियंट है, उसमें बैटरी की वजह से यहाँ पर जो बूट स्पेस है वो थोड़ी ऊपर को देखने को मिलेगी, मतलब थोड़ी सी यहाँ पर बैटरी की स्पेस दी गई है, तो जिससे यहाँ पर जो बूट स्पेस है वो थोड़ी बहुत कम देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसी कुछ आपको यहाँ पर ट्रे मिलेगी, जिससे आप इसका लेवल पूरा सेट कर सकते हैं, मतलब पता ही लगा कि यहाँ पर बैटरी प्लेस की गई है। सेफ्टी के लिए इस वाले मॉडल में आपको डुअल एयरबैग्स, हिल होल्ड असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल एंड पार्किंग सेंसर आपको इस कार में देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं इंटीरियर की, तो इंटीरियर कुछ आपको इसका ऐसा देखने को मिलेगा। इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको इस कार में मिसिंग देखने को मिलेगा। इसकी जो गाइस स्टीयरिंग व्हील है वो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है इसके बेस मॉडल के हिसाब से। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ तो वो सेमी डिजिटल होने वाला है, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाकी इसके इंटीरियर की फीचर्स की बात करूँ तो पुश स्टार्ट एंड स्टॉप का भी बटन आपको इस कार में दिया गया है। पावर विंडोज मिलने वाली हैं, स्टीयरिंग व्हील पर सिर्फ ऑडियो के कंट्रोल मिलते हैं, क्रूज कंट्रोल मिसिंग है। तो बात करते हैं रियर की, तो रियर की सीट्स कुछ ऐसी मिलेंगी। रियर में गाइस आपको इसमें AC वेंट्स भी ऑफर किए गए हैं। 60/40 रियर की सीट फोल्डेबल है, जिनसे आपको इसमें काफ़ी अच्छी बूट स्पेस भी मिल जाती है। तो दोस्तों, ये था मारुति विटारा 2022 का बेस मॉडल, जिसका प्राइस होने वाला गाइस 9,50,000। ये इसका एक्सशोरूम प्राइस होने वाला है। तो दोस्तों, आपको ये कार कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपको इसका प्राइस कैसा लगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।